हेलो रिवन, देखिए जब से हमने एनटीपीसी का जब रिज़ल्ट देखा है तब से मुझे वो सॉन्ग याद आ गया। अब वो सॉन्ग कौन सा है कि कौन सा नशा करता है, तो बस मैं यही कहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो बोर्ड है वो पता नहीं कौन से सस्ता नशा करके या रिज़ल्ट को तैयार किए कि इतना बवाल खड़ा कर दिए। पहली बात ये कि 2019 का वैकेंसी 2022 में रिज़ल्ट जारी किया जा रहा है, अभी ये प्री का रिज़ल्ट है। अब आप ये सोचिए कि जो बच्चे 2019 में उम्मीद लगाए थे कि एग्ज़ाम्स होगा, जल्दी से ज्वाइनिंग होगी, अब उनका ज्वाइनिंग का जो सपना है वो कहाँ तक जाएगा, और आधे बच्चों का सपना तो यहीं टूट चुका है इनके सस्ते नशे की वजह से। पता नहीं यार कौन सा नशा करके ये रिज़ल्ट बना रहा है। पहले इन लोगों ने क्या बोला था कि 20 गुना बच्चों का रिज़ल्ट देंगे, और अगर हम रिज़ल्ट का लिस्ट देखें तो उसमें क्या पता चल रहा है कि एक ही बच्चे का 4 से 5 लेवल में रिज़ल्ट दिया, यानी जहां पर 5 बच्चे होने चाहिए थे वहां पे 1 बच्चे। तो 3 से 4 गुना 5 गुना रिज़ल्ट देख करके ये हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि 20 गुना रिज़ल्ट दिया। और इसके बारे में विपिन सर ने काफ़ी अच्छी बात कही है, मैं उनकी वीडियो को आपको आपके सामने रखना चाहूँगा, आप उनके वीडियो को देखिए क्या उन्होंने क्या गजब की बात कही है। बिल्कुल सही बात कहा है उन्होंने। ये पता नहीं इन्होंने इन्हें पागल कुत्ता काट लिया है कि पागल गधा काट लिया है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये एग्जामिनर जो है भाई, तुम अगर पहचान में आ गए ना, ये जो तुम जो रिजल्ट तैयार करते हो ना, अगर पहचान में आ गए ना तो जूते जूते मारते मारते तुम्हारा ना मुंह का एकदम समोसा बना देंगे। उन्होंने एक बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे देश में चीन और पाकिस्तान से भी घटिया लोग बैठे हुए हैं इस बोर्ड में, जो कि बच्चों के साथ ही फ्रेंड्स, जो कि क्या कह सकते हैं ना, उनके भविष्य को बर्बाद करना उस तरह से किया जा रहा है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि एक दो बम इन्हीं पर छोड़ देना चाहिए यार, कि पाकिस्तान और चाइना पर छोड़ने से अच्छा है कि इनके ऊपर छोड़ो, ये सबसे घटिया लोग ये बैठे हैं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पता नहीं यार कौन सा ही तरीका से रिजल्ट बनाया जा रहा है। ऐसा रिजल्ट तो यानी कि मेंस के टाइम पे बनाना चाहिए था कि चलो ठीक लगता, तो ऐसा ये कौन सा तरीका हुआ? सुनिए इनके बातों को, सुनिए आप एक बार खुद से सुनिए कितना अच्छी बात इन्होंने कहा है। उन्होंने एक बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे देश में चीन और पाकिस्तान से भी घटिया लोग बैठे हुए हैं इस बोर्ड में, जो कि बच्चों के साथ ही फ्रेंड्स, जो कि क्या कह सकते हैं ना, उनके भविष्य को बर्बाद करना उस तरह से किया जा रहा है। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि एक दो बम इन्हीं पर छोड़ देना चाहिए यार, कि पाकिस्तान और चाइना पे छोड़ने से अच्छा है कि इनके ऊपर छोड़ो, ये सबसे घटिया लोग ये बैठे हैं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पता नहीं यार कौन सा ही तरीका से रिजल्ट बनाया जा रहा है। ऐसा रिजल्ट तो यानी कि मेंस के टाइम पे बनाना चाहिए था कि चलो ठीक लगता, तो ऐसा ये कौन सा तरीका हुआ? सुनिए इनके बातों को, सुनिए आप एक बार खुद से सुनिए कितना अच्छी बात इन्होंने कहा है। मोदी जी, मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम एक आध मिसाइल इन लोगों के ऊपर भी छोड़ दो। ये केवल चाइना पाकिस्तान करने से नहीं होगा, कुछ आतंकवादी हमारे देश में भी बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, आज के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। बताओ ऐसे स्टूडेंट का क्या होगा जो 4-4 साल तैयारी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, रेलवे बोर्ड से लड़ाई लड़ते हैं, और तब जाके इनकी स्थिति ये होती है कि ये 3 से 4 लाख लोगों को मतलब ये रिजल्ट देते हैं, और जो काम होना चाहिए मेंस एग्जाम होने के बाद होना चाहिए वो क्या करते हैं कि वो पहले ही पीटी एग्जाम में ही कर देते हैं, ये पोस्ट वाइज अभी कटअप जारी कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, इन चीजों को सुधारने के लिए हम सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट को एक साथ होकर के खड़ा होना होगा, तभी जाकर के इस बोर्ड वाले जो वहां पे बैठे हुए हैं ना, क्या कह सकते हैं उनको, चलो कोई और नाम आप ले लेना, तो उनके कानों तक समझाने के लिए हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा, तब जाकर के इस रिजल्ट को, रिवाइज रिजल्ट जारी कराना है हमें। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं चलने वाला है किसी एक का रिजल्ट आ गया और 5 लोगों का रिजल्ट ऐसा ना हो, नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को मौका बराबर मिलना चाहिए। इस वजह से हमें सभी लोगों को एकजुट होकर के इस आंदोलन को आगे तक ले जाना है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि जिसका रिजल्ट आ गया वो शांत बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा भी रिजल्ट आया लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि बस किसी के साथ धोखा हो, क्योंकि देख जेन्यून जो चीज होता है उसके सामने रखना वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये क्यापा करके इस तरह से रिजल्ट बनाना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इस वजह से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो टीचर्स हैं जिनके पास ऑडियंस फ्रेंड्स ज्यादा है आप लोग उनको जरूर मोटिवेट करें कि क्या आगे क्या करना है, किस तरह से आगे करना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें और जो ये मुद्दा है वो अधिक अधिक लोगों के पास पहुंच सके। और ये नॉर्मलाइजेशन ये क्या बना रखा आप लोगों ने, एकदम घटिया चीज, फालतू चीज। अरे कोई सोचने वाला नहीं है क्या इस बोर्ड में पूरे, कोई भी अधिकारी सोचने वाला नहीं क्या? रेलवे मिनिस्टर कहां मर गया भाई? मोदी जी आपके कान तक कभी आवाज नहीं जाती क्या युवाओं की? मतलब गजब हो रहा है, क्या खेल हो रहा है ये सब।
समझ में नहीं रहा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप लोग, जितने भी अधिकारी हैं रेलवे बोर्ड में बैठे हुए रिजल्ट तैयार करने वाले लोग, सुन लीजिए, चक्का जाम हो जाएगा। और हम लोग कुछ मानने वाले नहीं, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानने वाला है। अरे यार ऐसे भी लोग मर रहा है, तुम्हारे सामने मरेंगे, मार के मरेंगे। तुम हो इस देश का दुश्मन, गद्दार हो यार। अरे मरेंगे तो मरेंगे, तुमको मार के मरेंगे, खत्म कर देंगे हम तुम्हें। फिर से रिजल्ट तैयार किया जाना चाहिए। हम सारे टीचरों से कनेक्ट होंगे अभी, और सुन लीजिए पूरे देश में आंदोलन होगा। जितने भी हमारे साथी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे हमें प्यार देते हैं भाई ना, उनके लिए एकदम सब लोग खड़े होइए, एक होइए, और एक होकर पूरे देश में आंदोलन होगा अगर ये दोबारा से रिजल्ट तैयार नहीं होता है तो। दोबारा से फिर रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए, और 20 गुना रिजल्ट देना है तो 20 गुना रिजल्ट तैयार होना चाहिए, और एक बंदा किसी एक ही जगह उसका रिजल्ट होना चाहिए। एक ही बंदे को चार पोस्ट पर रिजल्ट दे दोगे, कहां कहां ज्वाइन करवाओगे उसको? अरे शर्म नहीं आती आप लोगों की कभी? क्या नहीं पढ़े लिखे हो तो किसी से पूछ लो, घूस दे के गए हो ना, पता है हमको, घूस दे के गए हो तुम लोग, वहां बैठे हो, तुमको क्या समझ में आएगा विद्यार्थी का दर्द क्या होता है? अरे तो पूछ लो, किसी से सलाह ले लो कि रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा। आप लोग सभी विद्यार्थी एक होइए, और सारे शिक्षक सबको मेरा प्रणाम है भाई, जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं बच्चों को, लगातार हम लोग एक अब होंगे, सब लोग बात करिए आपस में और कनेक्ट होइए एक दूसरे से, और फिर देखते हैं कि कैसे ये रिजल्ट जारी नहीं होता है। और बच्चों तुम लोग ना अपने पढ़ाई में कमी नहीं रखना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है, हम लड़ेंगे। जब लड़के ही होता है, अपना हक मिलता है, तो लगातार लड़ाई जारी रहेगी। और सब लोग इस वीडियो को सभी विद्यार्थी तक पहुंचाइए, और सभी शिक्षक लोग सब एक साथ होइए, और एक बार आवाज उठेगी हमारी। चलिए धन्यवाद, सब लोग शेयर करिए वीडियो को।